भारतीय क्रिकेट टीम जो कि एक वक्त में बहुत ही भारी टीम मानी जाती थी, मोस्ट फेवरेट मानी जाती थी, मगर 2021 के वर्ल्ड कप में हकीकत सामने आ गई, मुंह की खाई और धूल चाटी। अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होलनाक शिकस्त खाने के बाद वतन को वापस आई। जी हाँ, क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच चुकी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विराट कोहली, जी हाँ कप्तान, और कप्तान हमारे साथ हैं। कौन है? डेढ़ अरब जनता है हमारी, कोई भी हो सकता है, आपने काम ही ऐसा किया है। ये तरीका नहीं है। बेहतरीन, दो खिलाड़ी पूरा खेल जीत जाते हैं और आप लोग दो विकेट भी हासिल नहीं कर पाते हैं, ये तरीका है, जनता जानना चाहती है, बताएं आप क्या ढूंढ रहे हैं? हेलमेट ढूंढ रहा हूं। हेलमेट चाहिए? अब आपको जनता शोएब अख्तर नजर आ रही, आपके साथ तो वो सुलूक किया जाए कि आपके हाथ में बल्ला थमा दिया जाए और बॉलिंग पर शोएब अख्तर हो और आपने हेलमेट भी नहीं पहना हो, ये सुलूक करना चाहिए आपके साथ हमें। मेरा किट बैग? आपको लग रहा है कि अब आप मजीद टीम के अंदर हैं? ओ भाई, कोई बताए इनको कि न्यूजीलैंड के टूर से आपको बाहर निकाल दिया गया है, जानते हैं आप इस बारे में? देखिए, गेम इज गेम, पाकिस्तान ने अच्छा खेला। तो आप लोग वहां कंचे खेलने गए हुए थे ना? अरे भाई, क्रिकेट की टीम है आपकी, कप्तान थे आप, आपने एक विकेट भी हासिल नहीं किया, पूरा मैच जीत गए वो लोग, लेकिन आपने एक विकेट हासिल नहीं किया, क्यों? आप सही कह रहे हैं, मगर आपके गुरूर ने, आपके तकबर ने आपको यहां पहुंचाया है, इस अंजाम तक पहुंचाया है, जानते हैं आपने पूरे देश को मुंह की खिलाई आपने, पाकिस्तान से आपकी शिकस्त पर हम मजबूर हो गए थे, आप जानते हैं हम मजबूर हो गए थे। देखिए, हम भी मजबूर थे हम। ये तो हमें नजर आ रहा था आप कितने मजबूर थे। अरे पाकिस्तान का एक विकेट लाते ना तो बात यहां तक नहीं पहुंचती, आप जानते हैं। यहां तक क्या, मैंने तो सुना है कि बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, पूरा देश आपके साथ खेल रहा। नहीं, हम भी 11 ही खिलाड़ी खेल रहे थे ना, अगर पूरा देश हमारे साथ होता तो हम एक विकेट तो जरूर ले आते। जी हाँ, एक विकेट जरूर लाते। मुझे आपकी सोच पर रोना आ रहा है मुझे, मेरा दिल कर रहा है मैं रोऊं, मैं धाड़े मार मार के रोऊं, मुझे रोना आ रहा है आपकी सोच पर, मुझे रोना आ रहा है। वैसे रोना तो आपको भी आ रहा था जब आप लोग मैच हार गए थे, और कैसे आप कप्तान से और रिजवान से गले मिल रहे थे और अपने आंसुओं को छुपा रहे थे, कितनी अच्छी एक्टिंग की थी आपने, मैं तो समझता हूँ आपको एक्टर ही बनना चाहिए अब। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हीरो आ जाऊं अब, हीरो आ जाऊं, कैसा रहेगा? अच्छा, अब आप हीरो बनेंगे? आप जीरो बनने के काबिल भी नहीं है आप, आपने क्रिकेट की तबाही लाई, अब आप फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, अब ऐसा सबक सीखा है ना कि क्रिकेट से दूर हो जाऊं। अच्छा होगा कि अगर आप क्रिकेट से दूर हो जाएंगे तो आप एक काम तो करेंगे, कोई एक काम करें, एक्टिंग कैसा रहेगा अब आपके लिए? वही तो, मुझे जाना है। जाएं? हमने आपको तो नहीं रोका, आप जाएं भले। प्रोटोकॉल वो तो गया, अब आप वो क्रिकेटर नहीं रहे, वो सम्मान और वो सामान दोनों गए आपके। देखें, बाहर बहुत भीड़ है। भीड़ तो है, बहुत भीड़ है, ये तो पहले सोचना चाहिए था आपने, आपने ये अनाउंसमेंट घर जाकर करनी चाहिए थी, अब आपको वो सम्मान और वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। आपने छोड़ा ही नहीं ना, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ले आए, छोड़ा ही नहीं। आपने भी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा हुआ, क्या कहें अब आपसे हम? प्लीज, वो गुरूर, वो तकब्बुर कहाँ गया आपका? घर तक छोड़ दें बस। घर तक अब आपको हम छुड़वाएंगे? अरे वैसे भी आपको इस श्रीलंका की वर्दी में कौन पहचानेगा, चले जाएं यार। तो प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है,
नए इंकशाफात आपने सुने, आगे क्या होने जा रहा है। अब ये क्रिकेट खेलेंगे या एक्टिंग करेंगे ये हमारा मसला नहीं है। आप हमारे साथ रहिए, आगे प्रोग्राम नहीं चल रहा बल्कि खत्म हो रहा है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।